नमस्कार मित्रों, मैं आपको आज बनाने जा रहा हूँ सेव टमाटर की सब्जी। तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बनता है। देखो, 5 टमाटर लिया था, 5 लोग का हम बनाएंगे सेव टमाटर की सब्जी। ये लहसुन लिया है, लहसुन पूरा नहीं डालने का, 1 ही चम्मच डालने का। अदरक मर्चा के पेस्ट लिया है, वो 1 चम्मच डालने का है। वो सेव लिया है 100 ग्राम जितना मैंने। प्याज लिया 2 कटिंग करके, धनिया लिया हूँ, और ये सब मैं मसाला बताता हूँ आपको। देखो, ये सब मेरा मसाला है। मिर्ची है, गरम मसाला, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, राई है, बरियाल है, जीरा पाउडर। चलो तो चालू कर देते हैं। पहले हम अपन लेते हैं तेल डालते हैं। तेल आ जाएगा तभी राई डालेंगे। चलो दोस्तों, तेल आ गया है, अभी राई डालते हैं। 1 चम्मच और 1 चम्मच जीरा डाल देता हूँ। अब हम डालेंगे प्याज। प्याज को 1 चम्मच की तरह से पकाना है। आपको लहसुन पहले नहीं डालने का, नहीं तो लहसुन है ना, जल जाता है, स्वाद अच्छा नहीं आता। लहसुन थोड़ी देर बाद डाल देता हूँ। अभी देखो, मैं अब लहसुन डालूंगा। लहसुन 1 ही चम्मच डालो, बहुत है। 5 लोग को इतना लहसुन बहुत है, 5 लोग के लिए। ये थोड़ा मिर्चा डाल देता, ये 1.5 चम्मच डाल दूँ, नहीं तो ज़्यादा तीखा हो जाएगा। अदरक है ना, पूरा पका देते हैं। देखो मित्रों, प्याज और लहसुन सब पक गया है। अब मसाला कर देता हूँ मैं। ये 1/2 चम्मच मैंने हल्दी डाला हूँ, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, आप आपके हिसाब से डालेंगे नमक को, और 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब अच्छी तरह से भून देता हूँ। देखो मसाला, देखो कंप्लीट हो गया मसाला। अब हम डाल देते हैं टमाटर। टमाटर को बहुत अच्छी तरह से पकाने का। हमारा कलर कैसा आया, अभी और कम से कम 6-7 मिनट पका होने का है। देखो, ये हमारा सब्जी बन के रेडी हो गया। हम पानी डाल देते हैं, पानी डालेंगे तो अच्छा रहेगा। ये 1.5 गिलास मैंने पानी डाला हूँ, अब और पका देता हूँ। इसको रसा वाला सब्जी रहता है ना, सेव टमाटर की, तो अच्छा रहता है। देखो मित्रों, इतना अच्छा कलर आया, एकदम ग्रेवी हो गया। देखो देखो तो मित्रों, 5 मिनट हो गया और अच्छी तरह से एकदम ग्रेवी कंप्लीट हो गया। देखो बहुत अच्छा मिक्स हो गया। अब डाल देता हूँ मैं सेव। इतना अच्छा फ्लेवर आ गया है। आपको ज्यादा डालना है तो 200 ग्राम पे सेव डाल सकते हो। जितना ज्यादा लोग होगा इतना सेव डाल सकते हो। हम भी 4-5 लोग ही, तो इतना डाला हूँ सेव। देखो बहुत अच्छा हुआ है।
अब मैं डाल देता हूँ धनिया। कैसा लगा रेसिपी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले मित्रों। चलो बाय बाय। खाली अब कलर देखो तो पता चल गया कितना अच्छा मसाला सब मिस हो गया है। ऐसा रेसिपी देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें क्योंकि मैं रोज बनाता ही रहता हूँ। थैंक यू। कोई भी क्लियर हो तो कमेंट सेक्शन में लिखे, मैं जवाब दे